किसान आंदोलन पर जो सियासी घमासान मचा है, हम आपको ये भी बता देते हैं कि काशी से पीएम मोदी ने इस मसले पर क्या कहा था, जिसकी उम्मीद लगातार बनी हुई थी। काशी में जब मौजूद थे प्रधानमंत्री मोदी, तो उन्होंने ये कहा कि किसानों को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है, उन्हें गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अब छल से नहीं, गंगा जल जैसी नीयत से काम किया जा रहा है, ताकि किसानों को फायदा मिल सके। जो नया कृषि कानून है, उससे किसानों को ज्यादा फायदा होगा कंपेयर टू, यानी कि बनस्पत उस कानून के जो पहले था। नए कानून में किसानों को और ज्यादा आजादी दी गई है, उनके पास चुनने का अधिकार होगा। किसी को पुराना सिस्टम मंजूर है तो उस पर भी कोई रोक नहीं है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, उसके जरिए भी अपनी फसल बेच सकते हैं। तो ये काशी में जब प्रधानमंत्री मोदी मौजूद थे, तो उन्होंने किसानों के नाम संदेश दिया, लेकिन ये गतिरोध आज भी सातवें दिन लगातार जारी है। अब एक बार जल्दी से हम रजनीश के पास फिर से चलेंगे, सिंघू बॉर्डर पर वो मौजूद हैं। रजनीश, मैं बार बार यही कह रही हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपनी बात कर ली, कृषि मंत्री ने भी अपनी किसानों से बात कर ली, लेकिन जो किसान कह रहे हैं और जो मांग की जा रही है उनकी तरफ से, कहीं से भी लगता है आपको कि प्रैक्टिकली वो मुमकिन है, तीनों कृषि कानून सरकार वापस ले लेगी अगर किसान इस बात की मांग कर रहे हैं? देखिए, ये बिल्कुल व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि जितना मुझे याद है अब तक 50-60 सालों में 3-4 ही ऐसे कानून हैं जो जनता के दबाव में या किसी वजह से सरकार उसको वापस ले पाई है। तो किसान जो मांग कर रहे हैं कि तीनों जो कानून है, जो कृषि विधेयक हैं, संशोधित विधेयक, उनको सरकार वापस ले लेगी, इसकी संभावना बहुत कम दिख रही है। हालांकि उसके सपोर्ट में एक ऑर्डिनेंस जरूर सरकार ला सकती है, जो एमएसपी गारंटी की बात कर रही है। इसके अलावा कल बैठक में जो बातें इनको कही गई कि जो भी इनके कंसर्न है, जो चिंता है, उसको वो लिख कर ले आएँ और सरकार एक नया बिल लाकर उसको उसमें समाहित कर सकती है, ताकि जो पिछले 3 बिल हैं जिसका विरोध हो रहा है वो एक रूप में कंपनसेट हो सके और उसका ज़्यादा जो नुकसान की आशंका किसानों को है वो उसको बैलेंस किया जा सके। हमारे साथ किसान हैं, उनसे ही बात करेंगे। बार बार जो आप लोग बिल वापस लेने की बात कर रहे हैं, बहुत कम ऐसे कानून हैं इस देश में जिसको सरकार वापस ले पाई है, 3-4 ही होंगे। व्यवहारिक है, आपको लगता है सरकार वापस ले पाए? देखो, अगर 3-4 कानून पहले वापस हो चुके हैं तो ये भी वापस जाने चाहिए, क्योंकि ये लोगों के लिए घातक हैं। अगर सरकार इस पर सीरियस होकर बात करे, किसानों की बात को सुना जाए और कॉरपोरेट जगत को थोड़ा साइड पे रखा जाए, तो ये कानून ऐसे नहीं है कि ये वापस नहीं हो सकती, वापस करने की नियत नहीं है सरकार की। लेकिन रजनीश, बड़ी बात यह है कि किसानों से बात की जाए और किसानों से बात करने की कोशिश तो सरकार कर ही रही है। ब्रजेश, जरा ये बताइए, दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर भी किसानों का जमावड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, जिस तरीके का समर्थन किसानों को मिल रहा है, किसानों की संख्या निश्चित तौर पर और बढ़ेगी, लेकिन किसान कह रहे हैं बातचीत करे सरकार, जो हमारी मांगे हैं उसे माने, लेकिन इसी कोशिश में तो सरकार है, इसीलिए तो बार बार बैठकें हो रही हैं। सीधे तौर पे सरकार के जो प्रस्ताव थे उसको खारिज कर दिया और साफ तौर पे कहा कि जो उनकी मांगे हैं इन तीनों बिलों को खारिज करने की, जो लगातार मांग कर रहे हैं, उस पर सरकार अगर अमल करती है तो ही ये आंदोलन खत्म होगा। और सबसे बड़ा असर दिल्ली नोएडा बॉर्डर की अगर मैं बताऊं तो अब से कुछ देर बाद और भी किसान यहां पर पहुंचेंगे और उसकी वजह से आज ट्रैफिक को लेकर इस पूरे रूट पे एक बड़ी परेशानी हो सकती है, क्योंकि सुबह का आज वक्त है और दफ्तर लोग जाने वाले जो लोग हैं वो अब इस वक्त नोएडा में दाखिल होंगे, लेकिन डायवर्जन जरूर पर किया गया है। जो अशोक नगर का रास्ता है या डीएनटी का जो रास्ता है उसको खोल दिया गया है पूरी तरीके से, ताकि ट्रैफिक में दिक्कत ना हो, लेकिन दिक्कत परेशानी जरूर होगी, क्योंकि और भी ज्यादा एक बड़ा चैलेंज जरूर बनेगा जैसे जैसे किसानों की संख्या बढ़ती जाएगी, क्योंकि आंदोलन आज सातवें दिन भी जारी है, लेकिन कल बैठक में क्या कोई नतीजा निकलता है इस पर जरूर नजरें रहने वाली हैं। फिक्र आपकी सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।